કોંગ્રેસ પાર્ટી દાનામાં વિપક્ષની ભૂમિકા બચવા અને પ્રદેશની સમસ્યાને વહીવટીતંત્ર સમક્ષ રજૂ કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે। પ્રભુ ટોકિયા દાના કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રદેશની સમસ્યાઓને લઈને ફરી એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રદેશની વિવિધ સમસ્યાને દાના કલેક્ટર અને અધિકારીઓને મળીને સમસ્યા વિશે અવગત કરવામાં આવશે અને સમયમર્યાદામાં એ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે વિનંતી કરવામાં આવશે। જો પ્રશાસન સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં નિષ્ફળ જશે તો જન આંદોલન કરવામાં આવશે એમ દાના કોંગ્રેસના નેતા પ્રભુ ટોકિયાએ પ્રેસ વાર્તામાં જણાવ્યું હતું। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી આવનારા 2-3 દિવસમાં દાના કલેક્ટર અને અધિકારીઓને મળશે અને પ્રદેશને લગતી બાબતોથી અવગત કરાવશે। આ બેઠકમાં દાના મુખ્ય કોંગ્રેસ સમિતિના કન્વીનર પ્રભુ ટોકિયા, અજિત મહાલા, મહેશ ધોળી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ઇતને જનપ્રતિનિધિ યહાં સે લેકર દિલ્હી તક ઓર મંત્રાલય તક જાકર આકે હે ઉસકે અગેન્સ્ટ મેં આપને ક્યા એક્શન લિયા। એક હમ લોગ ઇસ બાર બહોત હી સ્પષ્ટ શબ્દો મેં હમ લોગ નિવેદન પત્ર દે રહે અપીલ કરેંગે और हम ये भी कह रहे हैं प्रसंग सामने, अगर आप इसको लेकर आप इसका निराकरण नहीं करते हो तो आंदोलन से लेकर जन आंदोलन तक की शासन प्रशासन की तानाशाही, मनमानी और ये जो रवैया है इसके अगेंस्ट में हमारी करने की तैयारी है। ये स्पष्ट शब्दों में कलेक्टर महोदय को हम कहने वाले हैं। अब तक हमने बहुत झेला जनता के, ठीक है, चुने जनपद जो किया है, लेकिन हमें अभी हमारा जो विपक्ष रोल है, और वैसे हमारे आदरणीय राहुल जी हमारे नेता ने कह दिया है अब लड़ाई रोड से लेकर संसद तक हमें करनी है। और आने वाले समय में हम अधिकारियों से कहेंगे कि आप भाजपा के राज में भाजपा के अधिकारी, भाजपा के एजेंट बन के भी कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, ये भी कहेंगे जब आने वाले समय में 6 महीने साल भर में जब हमारी सरकार बनेगी ऐसे अधिकारियों के भी क्लास लगाएंगे हम। ये स्पष्ट शब्दों में आने वाले समय ये एक दो दिन में हम जिला कलेक्टर से मिलकर ये बात कहने वाले हैं। देखा जाए तो ट्राइबल जो जितनी भी सड़कें हैं आज इनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि दिन ब दिन जो लोग यहाँ से रोजी रोटी के लिए सिलवास में आते हैं वो अपने गांव से रास्ते से जो समस्या है वो करते करते रखोली पुल तक आते हैं। वहाँ उनको एक बस छोड़नी पड़ती है, पैदल आना पड़ता है, उसके बाद दूसरा साधन पकड़ना पड़ता है। तो वो सिलवास में आके रोजी रोटी के लिए आएंगे तो उसको जो रोजी रोटी मिलती है वो तो अपने भाड़े में ही जा रही है, किराए दे रहे हैं। उसके बाद देखिए कि उनकी समस्या दिन ब दिन बहुत बढ़ती जाए, रोजगारी का प्रश्न है। उसके बाद देखो स्कूल में अगर देखी जाए तो 4-4 साल में गणवेश नहीं दिया है बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये सब समस्या है। तो ये समस्या के लिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग के साथ हम प्रशासन को भी जवाब मांगेंगे और प्रशासन जो भी अभी जो समस्या है वो निराकरण करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हम दादरा नगर के अंदर हमने 63,000 से ऊपर हम लोगों ने विश्वास रखकर वोट दिया है। इतने लोगों ने, हम तो ऐसा मानते कि हमको प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छा हमको सम्मान दिया है और इसके साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदेश के लोगों के लिए उनकी आवाज़ बने। मित्रों, हमारे लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में ऐसा जलता हुआ इश्यू है तो ये रोड है जो हमारे मित्रों ने बताया। कहीं ना को तो दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ इतने सारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जिला पंचायत को, नगर पालिका के हो, हमारे सांसद हो, सभी इलेक्टेड जिन्होंने प्रजा ने चुन के भेजा है, प्रजा ने उनके ऊपर विश्वास रखा कि ये लोग हमारी आवाज़ बन के हमारा काम करेंगे। लेकिन चुने हुए कोई भी प्रतिनिधि में एक भी ताकत नहीं है कि वो प्रजा के किसी भी प्रश्न को प्रशासन के सामने या राष्ट्र के सामने रखे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय सांसद जी ने उन्होंने एक अच्छी पहल की है, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने नितिन गडकरी जी से जाके कहा कि हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था खराब है, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन कितनी दुख की बात है कि देश में भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का सांसद है, भाजपा की नगर पालिका है, भाजपा की जिला पंचायत है, उसके बाद जाके वहां हाथ जोड़ना पड़ता है। तो ये शर्म की बात नहीं है हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए? कितने दुख की बात है जब फंड उनके पास है, सत्ता उनके पास है, उसके बाद गडकरी जी को जाके मिलना है? तो ये चुने हुए प्रतिनिधि के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं है, इनका कोई सुन ही नहीं रहा है। जब इनका कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे हमारे प्रदेश के लोग? हम चाहे सत्ता में न हो लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि यह रास्ता होना चाहिए।
आज दूधनी से, खानवेल से, कई मानोनी सिंधोनी से लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। जब रास्ता वहाँ रखोली पुल बंद होता है, लोग कैसे कैसे करके आते हैं, कितनी दिक्कत है। क्या हमारा प्रशासन तो हम दूर की बात है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो क्या करने बैठे चुन के, वो कर क्या रहे हैं? जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो जिम्मेदारी के लिए वो चुने गए हैं, उन पर उनका तो ध्यान होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ हमारे समस्याओं का, हम आपके विपक्ष पार्टी के होने के बावजूद भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ हमको ये कर रहे कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं और इस प्रदेश की सारी जनता हमारी है, हमें हम सबके लिए सोचना है। और हम कांग्रेस पक्ष के हम सभी कार्यकर्ता ने सोचा है कि हम कलेक्टर साहब को जाके मिलेंगे, आवेदन पत्र देंगे, और जो रोड की समस्या है इसका हल जल्दी से जो हो, जिससे हमारी यहाँ की प्रजा का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। और ये तो बड़ी समस्या हम सब जानते हैं, हमारे सब प्रदेश के लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे प्रदेश में हम गरीब लोग जो अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग अलग राज्य से यहाँ लोग आए हैं, जो रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो बड़ी आशा लेके आए कि दादरा नगर के हमको न्याय मिलेगा, यहाँ हमको रोजी रोटी अच्छी मिलेगी। और यहाँ लोग आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ रूम भाड़े के रह रहे हैं। मित्रों, मैंने जहाँ तक देखा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बनाया गया है कि न्यूनतम वेजेस एक्ट, जो न्यूनतम जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए उनके 4-8 घंटे का, तो वो नहीं मिल रहा है। और ये जो इंडस्ट्रीज के लोग जो है, जो मजदूर को लूट रहे हैं कि 8 घंटे का काम 12 घंटा कराते हैं, उसको पगार 8 घंटे का देते हैं। यहाँ ऑल टाइम सिस्टम का पगार पेमेंट कहीं इंडस्ट्रीज में नहीं मिलता है, ये मैंने देखा है। तो क्या 4 घंटे का, समझो कि एक 8 घंटे का पगार उसको 400 रुपया है, तो अगर 12 घंटा तो उसको डबल पेमेंट है, तो उसको 800 मिलना चाहिए, लेकिन उनको 400 ही मिलते हैं। और ये 8 घंटे का जो ओवर टाइम है वो भी 400 रुपया है, जो इंडस्ट्रीज के जो लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन उनका वो खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के अंदर जो मजदूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन उन पर कौन ध्यान दे रहे हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को तो एक बार चुन दी के निकल गए, फिर उनके बाद तो मीटिंग करने में और रैली करने में से उनको फुर्सत नहीं आ रही है। बाहर से जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं उनकी सेवा करने में से हमारे कोई चुने हुए प्रतिनिधि को फुर्सत नहीं मिल रही है। प्रजा की आवाज कौन कैसे बनेंगे? आए दिन रैली होती है, रैली में झंडा लेके खड़े रहते, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनको जागरूक करने की बात कर रहा हूँ कि आप चलिए, आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन जो यहाँ के इंडस्ट्रीज में जो अन्याय हो रहा है, लोगों का जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, और इंडस्ट्री में कितने टाइम के अंदर परमिटेड करना चाहिए, उसके बाद उनको रिमूव करना चाहिए, कोई कानून नहीं है। जब मन चाहे इंडस्ट्रीज को निकाल के फेंक देगी, आदमी को 20 साल, 15 साल, 25 साल काम किया, उसके बाद कभी भी इंडस्ट्रीज के लोगों को मन चाहे मैनेजमेंट उनको निकाल के फेंक दी। तो ऐसे लोगों की आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और हमारे पूरे जो टीम है ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जहाँ भी उनके साथ अन्याय हो, जहाँ भी उनको उनकी जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनको न्याय नहीं मिले, तो हम उनके साथ आवाज उठाएंगे। हम आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलेंगे रोड के बारे में, और इसके बारे में हम प्रशासक महोदय से मिलेंगे, और जो भी जो सत्ताधारी पक्ष है, जहां जहां हमको लगे कि मिलके अगर हमारा प्रदेश का कुछ अच्छा हो रहा है।